बड़ी खबर इस बीच नोएडा से मिल रही है, जहां पर गौरव चंदेल हत्याकांड में नया खुलासा हुआ है। पुलिस को गौरव चंदेल का मोबाइल मिल गया है, जहां पर बदमाशों ने हत्या के बाद उस मोबाइल को फेंक दिया था। रागीर से पुलिस ने ये मोबाइल बरामद कर लिया है और अब सर्विलांस के जरिए इस मोबाइल की लोकेशन जो है वो पता चली है। लेकिन एकाएक करके नए मोड़, नए जो तथ्य हैं, सबूत इकट्ठा यहां पर पुलिस की इस कार्रवाई में हो रहे हैं, जिससे कहा जा रहा है कि जल्द ही अब बदमाशों का पता यहां पर, आरोपियों का पता यहां पर चल जाएगा। तो आपको बता दें कि गौरव चंदेल की जो हत्या है वो 6 जनवरी को हुई थी और शाम के वक्त हुई थी, लेकिन 7 जनवरी की सुबह उनका शव मिला और उसके बाद से लेकर अब तक जितने दिन पुलिस के हाथ सबूत नहीं लगे, उसमें जो पीड़ित जो परिजन हैं और जो स्थानीय लोग हैं उनका आक्रोश देखने को मिला। और उस आक्रोश के बाद पुलिस कहीं ना कहीं जागी और ये कार्रवाई एकाएक करके तेज होती चली गई, जहां कुछ दिन पहले गौरव चंदेल की गाड़ी बरामद हुई और उसके बाद अब मोबाइल बरामद हुआ है और अब एक एक करके कई और भी सबूत यहां पर हाथ लगेंगे। नदीम हमारे साथ इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। नदीम, अभी तक क्या क्या चीजें पुलिस के हाथ यहां पर लग पाए हैं और ये कह सकते हैं कि अब जल्द ही बदमाशों को पकड़ लिया जाएगा? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब से जो गौरव चंदेल की जो गाड़ी है वो गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र में जब से मिली है, तो पुलिस के हाथ कुछ ऐसे और अहम सबूत मिले हैं जिनसे जो है गौरव चंदेल के हत्यारों तक पहुंचना पुलिस के लिए आसान एक राह बन गई है। अब जैसे कि गौरव चंदेल का जो मोबाइल था वो पुलिस ने जो है बरामद कर लिया है, एक राहगीर के पास जो है वो मोबाइल था वो पुलिस ने जो है आज बरामद कर लिया है। जी, लेकिन नदीम, जानकारी ये भी मिल रही है कि कोई गिरोह है, कोई गैंग है जिसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। जी, अभी जो है पुलिस जो संभावना जताई जा रही है पुलिस के द्वारा, एक मिर्ची गैंग है जो लगातार ग्रेटर नोएडा वेस्ट में सक्रिय रहा है और जो लूट और हत्या जो ये बदमाश जो करते हैं उसमें जो है कहीं ना कहीं मिर्ची गैंग का जो है एक बहुत बड़ा हाथ जो है पुलिस के हाथ लगने वाला है। लेकिन अभी ये कहा नहीं जा सकता है कि ये जो गैंग है वो मिट्टी गैंग है या कोई और दूसरा जो गैंग है, क्योंकि जो गाजियाबाद से जो उसकी गौरव चंदेल की जो गाड़ी मिली है, तो उससे अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि जो ये बदमाश हैं वो गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा वेस्ट में सक्रिय हैं। और पुलिस अब तक जो है कई गैंग के ऐसे सदस्यों से इस बारे में पूछताछ भी कर चुकी है कि आखिर जो ये हत्या हुई है ये किस गैंग के सदस्यों ने दी है। अब इसमें एसटीएफ भी जो है पूरी तरह से लगी हुई है, एसटीएफ के हाथ भी कुछ चीजें लगी हैं। 32 mm की जो पिस्टल का खोखा है जहां गौरव चंदेल की हत्या की गई थी वहां से वो बरामद भी हुआ है। एक गाड़ी में पर्ची भी पुलिस को बरामद हुई है, जिसमें यानी कि ये तमाम चीजें बरामद हुई हैं और उसके बाद हम कह सकते हैं अब जल्द ही बदमाश पकड़े जा सकते हैं। फिलहाल ये जो कार्रवाई है पुलिस की जारी है। धन्यवाद आपका फिलहाल नदीम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ी खबर यहाँ पर, जहां मोबाइल जो है गौरव चंदेल का बरामद कर लिया है, उसके साथ ही और भी कई सबूत पुलिस के हाथ लगे हैं।